आज हम एक ऐसी चीज का रिव्यू करने जाने वाले हैं जो हमारे बचपन की काफी इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है, जो हम हर रोज खाते थे और हर रोज चाय में हमें चाहिए होता था, तो वो हम आज लेके आ चुके हैं। और ये बेसिकली नॉट अ पेड पार्टनरशिप है, ये सिर्फ मैं अपने जेन्युइन अंदर के कीड़े के लिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे का माहौल चल रहा है तो मैंने सोचा कि होपफुली काफी सारे छोटे बच्चे भी यूट्यूब देख रहे होंगे तो उनको भी थोड़ा मजा आ जाए, इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो बनाना जरूरी है। और एक्चुअली मैं अभी अभी चाय के साथ खा के आया हूँ बिस्किट। तो बेसिकली हम आज एक ऐसे बिस्किट का रिव्यू करने वाले जो हमारे बचपन की पसंदों में से काफी ज्यादा लिस्ट में ऊपर है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं बिस्किट को। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें बचपन में खाने को चाहिए ही चाहिए होती थी। तो लेट्स गो, आज स्टार्ट करते हैं उन दोनों के साथ कि ये कैसे लगते हैं और हमारे बचपन में ये क्यों जरूरी थे। तो लेट्स गो। सारी चीज़ों को करने के मुझे पैसे तो नहीं मिलने वाले, पर जो हमारे अंदर का कीड़ा है, जो हमारे बचपन में ये खाए बिना दिन शुरू नहीं होता था, तो मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं और कुछ नए वीडियो के एलिमेंट के साथ हम न्यू वीडियो शूट करते हैं। तो मैंने सोचा कि बेसिकली हमने अब स्टार्ट कर ही दिया है, तो बेसिकली हम धीरे धीरे करके सारे ऐसे जो अनोखी चीज़ है, जो हमारे बचपन के पार्ट्स रह चुके हैं, जिसके रिलेटेड हम बहुत सारे चीज़ों को अट्रैक्ट करके बहुत सारी चीज़ें कर पाते थे और बेसिकली इनको खाए बिना हमारा दिन शुरू नहीं होता था। तो अब एक्चुअली में इसको खा के देखते हैं और उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये अभी हाल फिलहाल इतना छोटा सा आ रहा है, पर इससे पहले जब मैं छोटा था तब 5 रुपये में इससे बहुत बड़ा पैकेट आता था। और एज जेन्युइन लेके महंगाई बढ़ने की वजह से भाई इसके ऊपर भी बहुत सारा कष्ट पड़ा है और इसकी भी साइज छोटी ली गई है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, पर अब ट्राई करना है तो अब खा के देखते हैं कि कैसा लगता है। लेट्स गो। तो ये मैंने दोनों बिस्किट्स को ट्राई किया है और ये जो पार्ले जी वो आप सबको मालूम है कि ये कैसा बिस्किट है, पर मुझे इसमें थोड़ा सा चेंजेस लगा, क्योंकि इसमें अब थोड़ा सा कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा है जो पहले नहीं आता था, और पहले भी ये थोड़े बॉर्नविटा जैसे लग रहे थे, पर ये जो मोनाको बिस्किट है वो जेन्युइनली मैं बोलूँ तो ये जो बचपन में आते थे वो उसका वही सेम केस है, जो नमकीन से लगते थे, थोड़े से सॉल्ट का फ्लेवर आता था, वो सारी चीज़ें कंप्लीट। शेप की बात करें तो ये पार्ले जी थोड़े से रेक्टेंगुलर है और ये जो मोनाको और सर्कल टाइप के है, तो मुझे दोनों ही बहुत पसंद है और ये स्पेशली मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। और ये वाला बिस्किट तो सबको मालूम है कि बहुत बहुत अच्छा होता है, पर राइट नाउ इसके पहले ये दोनों बिस्किट खराब हो जाए तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को एंड इधर ही करते हैं। तो जो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। गुड बाय।